हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार और विशेष रूप से राजस्थान के कलाकार मोहन शर्मा जी के ऊपर, और यह है प्रश्नोत्तर का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए नॉलेज वाला है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से कलाकार मोहन शर्मा जी का परिचय। पहला प्रश्न है, मोहन शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो मोहन शर्मा जी का जो नाम प्रसिद्ध रहा वो रहा व्यक्ति चित्रण में और अमूर्त चित्रकारी में। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। इन्होंने कई पोर्ट्रेट बनाए जिसके लिए प्रसिद्ध रहे, साथ ही साथ इन्होंने ज्यामिति रूपाकारों के लिए भी ये प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन शर्मा जी का जन्म हुआ था नाथद्वारा में, आंसर है ऑप्शन बी। उनका बचपन भी वहीं बीता नाथद्वारा में, जहाँ पर इनको कला के प्रति, चित्रकला के प्रति रुझान हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नाथद्वारा में इनका जन्म हुआ था, आंसर है यहाँ पर 1942 में नाथद्वारा में मोहन शर्मा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में से मोहन शर्मा के चित्र की पहचान कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कई पोर्ट्रेट बनाए जिसमें प्रसिद्ध रहे। तो यहाँ पर है आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया है जिसके लिए प्रसिद्ध रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष मोहन शर्मा को राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ 1965, 1974, 1985, 1981, 1984, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सारे एक साथ मेंशन कर देती हूँ मैं, जिसे आपको सारे वर्ष एक जगह पर ही मालूम चल जाए कि इतनी बार इन्हें राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कई बार ये पूछ सकती कितनी बार हुआ, तो 5 बार इन्हें मिला राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन शर्मा की नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो हो जाएगा पूजा का दिन, इनकी नहीं है। बाकी सारे पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए हैं, नेहरू जी का पोर्ट्रेट बनाया है, सरदार पटेल जी का पोर्ट्रेट बनाया है, और डॉक्टर राधाकृष्णन जी का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है। राधाकृष्णन है यहाँ पे, इनका भी इनको पोर्ट्रेट बनाया है। पूजा का दिन इनका चित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा के चित्र की पहचान कीजिए। तो इन्होंने जो एक प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसके लिए इन्हें प्रसिद्धि मिली, वो है हिज हॉलीनेस नाथद्वारा का। ये इन्होंने लाइफ पोर्ट्रेट बनाया था 1967 में, नाथद्वारा के लाइफ पोर्ट्रेट बनाया था, कमीशन पे इन्हें मिला था, इसे ख्याति इन्हें बहुत मिली। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कभी और ऑप्शन देकर के, हिज हॉलीनेस नाथद्वारा का लाइफ पोर्ट्रेट किसने बनाया जिसे प्रसिद्धि मिली, तो आंसर रहेगा मोहन शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस आर्टिस्ट के साथ मोहन शर्मा ने मुंबई में कार्य किया? तो मोहन शर्मा जी ने मुंबई में काम किया सुजा के साथ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजा। इनके संपर्क में आए और इन्होंने इनके साथ में काम किया, कई चित्र बनाए मुंबई में रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा ने किस कॉलेज में चित्रकला अध्यापन किया? तो इन्होंने चित्रकला अध्यापन किया, इनमें से 2 जगह किया था, और यहाँ ऑप्शन देखे तो हम राजस्थान कॉलेज ऑफ आर्ट में प्राध्यापक रहे थे, आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान कॉलेज ऑफ आर्ट में प्राध्यापक रहे थे ये 1968 से 1988 तक। याद रखिए 1968 से 1988 तक ये प्राध्यापक रहे, 1988 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहन शर्मा ब्रिटिश फेलोशिप पर लंदन गए? तो ब्रिटिश फेलोशिप में ये लंदन गए थे, और ये गए थे 1975-76 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1975-76 में ये ब्रिटिश काउंसिल की इनको छात्रवृत्ति मिली थी, जिसका नाम था मिडिल सेक्स पॉलिटेक्निक, ये लंदन से प्राप्त हुई थी। तो इसके तहत ये लंदन गए थे 1975-76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहन शर्मा को राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान प्राप्त हुआ? तो इन्हें राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान प्राप्त हुआ था 1988 में,
आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1988 में इनको राज्य ललित कला अकादमी का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है कलाविद, वो इन्हें प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष मोहन शर्मा को आईफेक्स या ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसका पूरा नाम है, नई दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आईफेक्स का पुरस्कार मिला था इन्हें 1973 में। यहाँ पर जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1973 में इन्हें आईफेक्स नई दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा किस कला संस्था के संस्थापक सदस्य व चेयरमैन रहे? तो ये जो इन्होंने संस्था स्टार्ट की वो थी राजस्थान की प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। आंसर हो जाएगा पेग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक मुंबई में भी थी जिनसे रजा हुसैन ये सब जुड़े रहे थे, और एक राजस्थान में भी स्टार्ट हुई थी। आंसर है यहाँ पर पेग, राजस्थान के ये संस्थापक सदस्य और चेयरमैन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने कला शिक्षा जो प्राप्त की वो की थी मुंबई से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। और जब ये मुंबई गए थे तो मैंने आपको बताया भी था, ये सुजा जी के संपर्क में आए, उनके साथ इन्होंने कई चित्रों को बनाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, वर्ष 1985-86 में मोहन शर्मा ने किस चित्रकला को निर्मित किया, मतलब चित्र श्रृंखला होगा, किस चित्र श्रृंखला को निर्मित किया? तो इन्होंने 1985-86 में एक डेजर्ट श्रृंखला बनाई। आंसर यहाँ पर डेजर्ट ऑप्शन बी है। और कई बार ये पूछ सकते हैं कि डेजर्ट श्रृंखला किस कलाकार की है, तो मोहन शर्मा जी की है ये। इसमें इन्होंने प्रकाशयुक्त ज्यामिति रूपाकार बनाए थे। इसके अलावा मोहन शर्मा जी ने स्याही व पेन के सैकड़ों छोटे छोटे रेखांकन किए जो अलग अस्तित्व रखते थे। इसमें जो उन्होंने डेजर्ट श्रृंखला में प्रकाशयुक्त ज्यामिति रूपाकार बनाए थे 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो अभी मैंने आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया भी था कि मोहन शर्मा जी की मृत्यु हुई 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। मोहन शर्मा जी ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग भी लिया, भारत, भारत से बाहर, ब्रिटिश लंदन काउंसिल में भी उन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई, और 1985 में ग्रे आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क, द्वितीय नेशनल आर्ट शो फूफू जापान, कई जगहों पर इनकी समूह और एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि 1965 में ने डोली कटसर जी पुरस्कार मिला, 65 में महाराष्ट्र राज्य छात्र पुरस्कार मिला, 66-74 ये तो मैंने आपको बताया है, 75-81-84 में राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला, 72 में राष्ट्रीय कला अकादमी से पुरस्कार मिला। ये जरूर आप याद रख लें, 1972 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यानी कि दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 73 में इन्हें आईफेक्स पुरस्कार मिला, और कलाविद सम्मान मैंने आपको बताया 1988 में जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष इनको कलाविद सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो ये था परिचय कलाकार मोहन शर्मा जी का, और जो आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही नेट जेआरएफ में भी कई कलाकारों के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमें नॉलेज कम होता है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी आपको लर्न हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक, जय हिंद।